मित्रों, आपने भी इस कलयुग में देखा होगा कि अक्सर जब बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो इसकी सजा उनके साथ साथ उनके माता पिता को भी भुगतनी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में कोई भी माता पिता कभी भी अपने बच्चों के कर्मों की सजा नहीं भुगतते, बल्कि बच्चे ही अपने माता पिता द्वारा किए गए कर्मों की सजा भुगतते हैं। और अगर आपको हमारी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो यमराज और उनकी पुत्री से जुड़ी आज की इस कथा को पूरा देखिएगा, फिर आप जान जाएंगे कि आखिर कोई भी संतान अपने माता पिता द्वारा किए गए कर्मों की सजा कैसे भुगतती है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यानी यमराज की एक पुत्री थी जिसका नाम सुनीता था। वो अपने माता पिता के प्यार और दुलार के कारण बिगड़ गई। वो देखती कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते, लेकिन वो खुद पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, जिस कारण खेल खेल में वो कभी किसी अच्छे काम में बाधा डालती तो कभी बिना वजह किसी को मारने लगती। ऐसे उड़दंत करके वो बहुत खुश भी होती। इसी तरह समय बीतता गया और यूं ही एक दिन सुनीता ने एक गंधर्व कुमार को, जो उस समय आराधना करता हुआ योग मुद्रा में बैठा था, बिना किसी कारण ही उसे कोड़े मारने लगी। कोड़े पड़ते ही जहां वो गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाने लगा, वहीं सुनीता खुशी से झूम उठी, क्योंकि वो इस सब को खेल समझती थी। इतना ही नहीं, वो अपनी ये सारी करतूतें अपने पिता को भी बताती। उसके पिता यमराज भी उसकी इस उड़ंदता को बालपन समझकर हमेशा चुप रह जाते। वो ऐसा करने से ना तो अपनी बेटी को रोकते और न ही समझाते। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उसने फिर से उसी गंधर्व कुमार को, जब वो पूजा पाठ कर रहा था, मारना शुरू कर दिया। जब कुमार के लिए ये पीड़ा असहनीय हो गई तो उसने क्रोध में आकर सुनीता को श्राप दे दिया। उसने कहा, तू धर्मराज की बेटी है, लेकिन तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा। तेरी एक योग्य संतान भी होगी, लेकिन तेरे इन सभी दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। इसके बाद सुनीता ने ये बात अपने पिता को बताई। जब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी, ना तो उन्होंने अपनी बेटी की आदत और व्यवहार पर ध्यान दिया और न ही उसे भले बुरे का ज्ञान दिया, और इसी कारण उसे ये श्राप मिला। लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। फिर भी यमराज बोले, बेटी निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा नहीं किया, बुरे कर्मों के कारण ही तुम्हें ये श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। मित्रों, इसी तरह काफी समय बीत गया। कन्या बड़ी हुई तो धर्मराज को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, लेकिन उसके श्राप को जानते हुए कोई भी उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो अप्सरा रंभा ने उसे मोहिनी विद्या का ज्ञान दिया। सभी को पता है कि अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थी, लेकिन अब सुनीता में भी किसी को भी मोहित करने की विद्या आ गई। इसके बाद रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की तलाश में निकल पड़ी। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अत्रि कुमार को भी मोहित कर लिया, और ये देखते हुए रंभा ने भी दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया, जिसके बाद दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वेन रखा गया। मित्रों, वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में भी सभी उसकी तारीफ ही करते थे। इस बालक में अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन माँ के श्राप के कारण धीरे धीरे वेन में भी दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों की संगति में वो नास्तिक हो गया। उसे ईश्वर, वेद, पुराण और शास्त्र सब कुछ झूठ लगने लगा। इतना ही नहीं, यज्ञ, संध्या आदि चीजों को भी वो पाखंड समझने लगा। वो ढीठ हो चुका था। अब वो अपने माता पिता का कहना तक नहीं मानता। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि उसके अपने पिता अंग भी असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, लेकिन आज्ञा वेन की चलती थी। धीरे धीरे सुनीता भी ये बात समझने लगी कि उसके संस्कारों का परिणाम अब उसके पुत्र में दिखने लगा है। वेन के हट तथा उड़ंदता पर किसी का भी वश नहीं था। इतना ही नहीं, वेन के इन कर्मों से प्रजा भी दुखी रहने लगी।
महाराज अंग को अपयश मिलने लगा, जिस कारण उन्होंने अपना घर और राज्य त्यागना ही उचित समझा। राजा अंग के घर त्यागने के बाद ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर ही तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया है। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कार्य करके प्रजा को सुख दो। लेकिन मित्रों, राजा बनकर वेन अहंकारी हो चुका था। वो उनसे बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दें, मैं स्वयं ही बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से ही स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा और मेरे वचन शास्त्र होंगे। आप सभी लोग मेरी आज्ञा के अनुसार चलें और मुझमें ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखें। मित्रों, ऐसे विचारों वाले राजा के कामों से पूरे राज्य में अराजकता बढ़ गई। सभी धार्मिक तथा सत्कर्म बंद हो गए। और वो कहते हैं ना कि हर चीज का अंत होता ही है, तो ऋषि मुनियों और प्रजाजनों ने विरोध कर वेन को एक दिन पकड़ लिया और उसे राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वो असहाय हो गया, जिसके बाद ऋषियों ने प्रजा के परामर्श से उनके पुत्र पृथु को राजा बना दिया और वेन जंगल की ओर चला गया। तो मित्रों, ये तो तय ही है कि अच्छे कुल का मनुष्य भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुकर्मी बन जाता है और अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुखों का कारण बनता है। वो खुद तो बर्बाद होता ही है, लेकिन अपने साथ साथ पूरे कुल का भी नाश करता है। तो मित्रों, इस कथा के माध्यम से आप भी अब समझ गए होंगे कि माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चे भी भुगतते हैं। तो हमारी आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी जरूर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।